आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि रुधिर के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमें रुधिर की थोड़ी डिटेल स्टडी करनी है। देखिए, अगर हम रुधिर की बात करें तो इसमें मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इसका द्रव वाला भाग और दूसरा होता है जिसे हम रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं, जो इसका द्रव वाला भाग होता है ये लगभग 54% होता है पूरे खून का। ठीक है, और इस द्रव वाले भाग का नाम होता है प्लाज्मा। अगर हम रक्त कणिकाएं की बात करें तो ये लगभग 46% होती है और ये तीन तरीके की रक्त कणिकाएं होती है। ठीक है, पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। इनके हम थोड़े कार्यों के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर इनका कार्य क्या होता है। देखिए, जो आरबीसी होती है, ठीक है, इसमें क्या उपस्थित होता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। इसका कार्य होता है कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और हम नोट कर लेते हैं कि जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है। इसका कारण यह होता है कि आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा जगह चाहिए होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन चाहिए और यही कारण है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर केंद्रक अनुपस्थित होगा तो ज्यादा से ज्यादा जगह रहेगी जिसमें वो हीमोग्लोबिन को ला सकेगा। ठीक है, अगर हम दूसरे कंपोनेंट की बात करें WBC की, तो जो WBC होती है उनका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र में। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसका कारण यह है क्योंकि जो WBC होती है उसमें क्या उनका कार्य यह होता है कि शरीर में आने वाले विभिन्न जीवाणु और विषाणु का नाश करना और उसके लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये प्रोटीन तभी बन सकता है जब उसमें केंद्रक उपस्थित हो। अगर हम अपने तीसरे पॉइंट की बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का कार्य होता है मुख्यतः खून का थक्का, ठीक है, जमाना। यानी कि जो खून, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं कट लग गया और वहां से लगातार खून का रिसाव हो रहा है, तो वहां थक्का जमाने का जो मुख्य कारण होता है वो किसका होता है, प्लेटलेट्स का। और अगर हम बात करें प्लाज्मा, तो ये वह द्रव होता है जो मतलब ये हमारे खून का वो द्रव होता है जिसमें ये सभी रक्त कणिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, रक्त कणिकाएं उपस्थित होती, ठीक है। इसका कार्य यह होता है कि यह शरीर में खाद्य पदार्थ, इसके अलावा हॉर्मोन, प्रोटीन, ठीक है, मतलब यानी कि एंजाइम, इन सबको क्या करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ठीक है, ये शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है, माफ कीजिएगा, दूसरे भाग तक। तो हमने इन चारों का कार्य देखा और हमने ये भी देखा कि जो रुधिर होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि डिफरेंट कंपोनेंट बताने हैं यानी विभिन्न अवयव बताने हैं। तो हमने देखा कि जो द्रव होता है वो 54% होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और रक्त कणिकाएं 46% होती है जो कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है, और उसके हमने डिफरेंट कार्य देखे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।